आप सभी लेजेंड्स का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कुछ बच्चे और उनके फनी रिएक्शन जब वो बाल कटवाने जाते हैं। और यहाँ पर एक छोटे से बाबू अपनी मम्मी के साथ आए हैं बाल कटवाने के लिए। मुझे नहीं पता है लेडीज पार्लर है या जेंट्स पार्लर, कहीं भी आए लेकिन इन बालकों को फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया जाए भाड़ में बाल कटेंगे, हम तो बचेंगे यार, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। और ये बच्चा इसकी भावना में समझ सकता हूँ, जैसे ट्रिमर टच हो रहा है, बंदा रो रहा है क्योंकि 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 डर लगा रहता है। भैया ये जो नाई है कहीं हमारा कान न काट दे, कैंची हमारी आंख में न घुसा दे, मेरे साथ हुआ है। और जब जब आपको लॉलीपॉप दे दी जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपका कटने वाला है। तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ हुआ है। बच्चा अपनी लॉलीपॉप चूसने में मस्त है और इसके ऊपर से बाल कट रहे। वैसे कई बच्चे होते हैं जो लॉलीपॉप देकर शांत हो जाते, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तुम कितनी भी लॉलीपॉप दे लो अगर उनको रोना है तो रोना ही है। शायद इस बच्ची को ये लॉलीपॉप पसंद नहीं आई। बेटा तुम्हारे लिए और लॉलीपॉप लाओ। नहीं चाहिए, मैं तुमको लॉलीपॉप देती हूँ, मुझे मेरे बाल दे दो। बेटा ऐसा नहीं करते। एक और हसमुख बच्चा जिसको बहुत गुदगुदी हो रही है। मुझे लगता है इस बच्चे को ना मुगली घुट्टी 555 घोट घोट कर पिलाई गई और जॉनसन बेबी पाउडर से तो इसकी भरपूर मालिश हुई है, तभी आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए। लेकिन हम जब छोटे थे तो ये सब कुछ हमारे लिए इतना आसान नहीं था। पहले तो दो चाटे खाकर बाल कटवाने के लिए तैयार होते थे, नाई की दुकान पर जाते थे, लकड़ी का फंटा लगाता था, उस पर बैठते थे, फिर वही गंदे से कपड़े को हमारे गले में कस के बांधता था, हमारी आधी सांस तो वहीं रुक जाती थी। फिर उसका वो हमारे उलझे हुए बालों में कंघी रगड़ के हमारे बालों को खाड़ना, फिर उसका वो एक स्पेशल रेजर में ब्लेड लगाकर उसके खतरनाक एक्सप्रेशंस का सामना करना बिना खिले डुले बैठे रहना, भैया इतना आसान नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चों का काम आसान हो गया है ट्रिमर से। लगता है श्रोती बच्चे को रुमाल चाहिए। क्या हो गया है समाज को, आजकल के बच्चों को रोने पर रुमाल दिया जा रहा है। साला जब हम रोते थे बाल कटवाते टाइम, दो लोग हमारे हाथ पकड़ते थे, दो लोग हमारे टांगे, तब जाकर हम बाल कटवाते थे। ऊपर से मम्मी के घूसे गालियां, अरे भैया क्या क्या सामना करना पड़ा है हमको। और ये महाशय ब्रश से बच्चों को गुदगुदी कर रहे हैं। अब हमारे टाइम पे तो बड़े से ब्रश में आटा लगा के हमारी गर्दन माथा मुंह सब कुछ सफेद कर दिया जाता था। और जब तक हमारा मुंह सफेद नहीं होता था ना, हमको लगता नहीं था कि हम बाल कटवा के आए हैं। और यार आगे वाला वीडियो आप खुद देखो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अंकल घूम गए देखो ऐसा है। नाम क्या होगा तुम्हारा? मेरा नाम अनुसू है। अच्छा, अनुसू की बाल मत कटो। तो डैडी का नाम क्या है? अनूप। अनूप। अच्छा काका का नाम क्या है? काका का आशीष। और दादा था? उसने भी बाल काट लिया होगा। हाँ हाँ, दादा जी भी बाल काटे थे अपन दुकान में, बोले थे बाबू जी बाल काट। अरे बाबरी क्या कर रहे हो तू? कटिंग का था बाबू जी। मारूंगा तुमको। मैं तो मारेंगे, मैं तुम्हारी कटिंग करूंगा, मैं बहुत डरा हूँ, तुम मैं कटिंग करने नहीं दूंगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, और ये मजा आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजाओ तो बजा देना। बाकी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा आगे भी, तो देखते रहो।